और वो नेत्र ही क्या जो हरि दर्शन के अभिलाषी ना हो, और वो पिता ही क्या जो पुत्र को हरि भक्ति का पाठ ना सिखाए। बस स्वामी, और नहीं स्वामी, और नहीं सह सकता मैं। सेनापति जी महाराज, इस पितृद्रोही अधम बालक को मृत्यु दंड दिया जाए। मैं आपसे विनती करती हूँ, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। आपका पुत्र है। पुत्र नहीं है मेरा ये। उठिए माँ। नहीं है मेरा उत्तराधिकारी, ये कोई दुष्ट आत्मा है जिसका जन्म हमारे वंश का नाश करने के लिए हुआ है। सेनापति, अभिलंब जाओ और समाप्त कर दो इसकी जीवन लीला, वध कर दो इसका। नहीं स्वामी, नहीं, ऐसा मत करिए। ऐसा अनर्थ मत कीजिए स्वामी। प्रहलाद, मत लेके जाने दीजिए उसे। प्रहलाद छोड़िए स्वामी, प्रहलाद। माता, प्रभु का कोई सर्वोत्तम भक्त हुआ है तो वो है प्रहलाद। माता पिता का सर्वश्रेष्ठ पुत्र हुआ है प्रहलाद। इतना अद्भुत बालक था वो। हाँ हनुमान, परंतु मैं उसी के समान एक और अद्भुत बालक से परिचित हूँ। कौन माता? क्या वो भी भक्त प्रहलाद के समान महान है माता? मुझे उनके विषय में कुछ बताइए ना माता। परंतु उससे पूर्व हनुमान भक्त प्रहलाद की पूर्ण कथा जानने के लिए अत्यंत उत्सुक है। माता, क्या भक्त प्रहलाद बड़ी ही कठिनाइयों में पड़ गए? उनके स्वयं के पिताश्री ने तो उनके वध का आदेश ही दे दिया था माता। अपने महाराज हिरण्यकश्यपु के आदेशानुसार सैनिकों ने उसके वध के लिए भयानक योजना को क्रियान्वित कर दिया था।
क्या हुआ माता? प्रभु श्री हरि के भक्त को कोई हानि कैसे पहुंच सकती थी, वो भी सागर में जो स्वयं माता लक्ष्मी जी के मायका के समान है, और जहां प्रभु हरि भी स्वयं निवास करते हैं, ऐसे स्थान में तो प्रभु हरि के अनन्य भक्त की सुरक्षा अवश्य होनी थी। प्रभु की लीला अपरंपार है। प्रतीक्षण वो अपने नन्हे से भक्त प्रहलाद की सुरक्षा कर रहे थे, परंतु इतना सब घटने के पश्चात हिरण्यकश्यपु का सत्य से परिचय हो ही गया होगा माता। जो प्रभु विष्णु जी को प्रिय है और जिन्हें उनका आशीष प्राप्त है, उनका तो कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता माता। जिस मस्तिष्क पर अहंकार और द्वेष जैसी कुत्सित भावनाओं का प्रभाव हो पुत्र, जो प्रत्यक्ष प्रमाणित होने के पश्चात भी सत्यावलोकन करने में असमर्थ हो जाते हैं, और हिरण्यकश्यपु की बुद्धि उसके अहंकार ने भ्रष्ट कर दी थी, वो अब भी नहीं देख पाया था कि प्रभु विष्णु जी प्रत्येक संकट में अपने भक्त की रक्षा कर रहे थे। तो क्या हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद के जीवन को नष्ट करने का प्रयास नहीं छोड़ा माता? उसके विपरीत, जब उसे ज्ञात हुआ कि उसके सैनिक प्रहलाद का वध करने में असमर्थ रहे, तो उसने एक और भयानक योजना बनाई। वो अपनी अति निर्मम, अति क्रूर, पैशाचिक वृत्ति युक्त, अति विकराल भयंकर शमशान में विचरण कर शवों का भक्षण करने वाली अपनी कुटिल बहन राक्षसी होलिका के पास पहुंचा। स्वागत है मेरे भ्राता श्री। इतने लंबे अंतराल के बाद मेरे सर्वशक्तिमान भ्राता हिरण्यकश्यपु को अपनी इस बहन होलिका का स्मरण कैसे हो आया? तो क्या आप मेरे रात्रि के भोजन में सम्मिलित होने के लिए पधारे हैं भ्राता श्री? नहीं बहन, एक अति आवश्यक कार्य में मुझे आपकी सहायता चाहिए। कैसा कार्य भ्राताश्री? मेरे परम शत्रु, मेरे कुपुत्र, दुष्ट बालक प्रहलाद का वध।
यह अनर्थ होने से रोक लीजिए। अन्यथा स्मरण रहे कि अपने पुत्र के साथ साथ आप अपनी पत्नी को भी खो देंगे। मेरी गुहार सुनिए स्वामी, अपने पुत्र पर दया कीजिए। आपका अपना अंश एक अबोध बालक है वो। क्षमा कीजिए उसका बालहट स्वामी। होलिका के इस दिव्य वस्त्र का आवरण उन्हें प्रचंड अग्नि में भी सुरक्षित रखता है, परंतु प्रहलाद तो इस अग्नि के प्रज्वलित होते ही भस्म हो जाएंगे। श्री, जब आप मुझे प्रभु श्री हरि का नाम नहीं लेने का आदेश देते हैं, तब आप भी मेरे साथ उनका नाम स्मरण करते हैं। हम दोनों प्रभु को स्मरण कर एक साथ उनके पुण्य के भाग बनते हैं, इसीलिए तो मैं आपसे श्री हरि की शरण में आने का निवेदन कर रहा। हरि हरि हरि। एक पितृद्रोही को पुत्र के माता पिता कहलाने से तो निसंतान रहना अधिक उत्तम है। उस कुलद्रोही के लिए शोक मत कीजिए देवी। मैं अपने नेत्रों के समक्ष ये अनर्थ होते हुए नहीं देख सकती स्वामी। अपने कुल दीपक को जीवित भस्म होते हुए नहीं देख सकती। यदि आप यह दृश्य नहीं देख सकती तो आप यहाँ से जा सकती हैं। सेनापति, प्रज्वलित कर दो इस चिता को और जलाकर भस्म कर दो इस कुलघाती पुत्र द्रोही दुष्ट हरि भक्त बालक को। महाराज ये क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? हाँ, अपने ही पुत्र को भस्म करने जा रहे हैं। अरे क्या घोर अनर्थ है ये। हम सभी के लिए एक ही भगवान होंगे, भगवान श्री हिरण्यकशिपु। Hey!
शरत प्रभु भक्तन पर छाया, दैत्यराज ये समझ न पाया। झुंझलाया तब राक्षस राज, होलिका अब अंतिम वास। सत्य का साथ प्रभु श्री करता, भक्त प्रहलाद के कष्ट हरता। करे कपि श्री हरि का सुमिरन, श्री विष्णु वंदन अभिनंदन। भ्राता, रक्षा करिए मेरी, ये अग्नि मुझे जला रही है। रक्षा करिए। कोई रक्षा करो मेरी, बचाओ मुझे, रक्षा करो मेरी। जीवित है, मेरा पुत्र सुरक्षित है, स्वामी सुरक्षित है। प्रहलाद, सत्य की पुण्य अग्नि में बड़ी से बड़ी बुराई भी जलकर भस्म हो जाती है। बस, बस, बस। शांत हो जाओ।
माता, होलिका दहन के साथ ऐसी विचित्र घटना घटने के पश्चात हिरण्यकश्यपु को प्रभु हरि की दिव्यता का मर्म समझ आ ही गया होगा। नहीं पुत्र, दुर्भाग्यवश इस अलौकिक घटना के बाद भी ना तो उसने प्रभु की महिमा को माना और ना ही अपने आचरण में कोई परिवर्तन लाया। परंतु इस दिव्य घटना के पश्चात प्रत्येक वर्ष उसी रात्रि को होलिका की अग्नि जलाकर समस्त संसार बुराई और पाप के प्रतीक होलिका की दहन की प्रसन्नता मनाता है और आगामी दिवस सभी मनुष्य भांति भांति के रंग एक दूसरे पर छिड़क कर होली के पर्व के रूप में बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव मनाते हैं। ठीक उसी प्रकार माता, जैसे भक्त प्रहलाद अर्थात साधुता के रक्षित होने और बुराई की प्रतीक होलिका के भस्म हो जाने से आनंदित प्रजा एक दूसरे पर उच्चता की राख छिड़क रही थी। हाँ पुत्र, परंतु भक्त प्रहलाद को जीवित जलाने का प्रयास का घोर अपराध कर हिरण्यकश्यपु अपने पापों का घड़ा लगभग भर चुका था। महारानी। माता, हे नाथ, धधकती ज्वाला से लौटकर आया है मेरा पुत्र। एक बार उसे अपने अंग से लगाकर इस माता को अपना हृदय शीतल कर लेने दीजिए। कदापि नहीं। आप अपने सरल मातृत्व से भ्रमित हो रही हैं महारानी। आपका पुत्र नहीं है ये पितृद्रोही, उस मायावी विष्णु का भिन्न रूप है। परंतु मैं आज अपने इस काल रूपी शत्रु को अपने हाथों से मिटा दूंगा। अब देखता हूं मेरी प्रचंड दिव्य गदा से कौन तुम्हारी रक्षा करता है। नहीं स्वामी, नहीं स्वामी, अब मैं आपको इस पर अत्याचार नहीं करने दूंगी। हटिए मेरे मार्ग से। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अपने स्थान पर स्थित रहो द्रोही विषकीट, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे समक्ष खड़ी है। और तुम्हें तनिक भी भय नहीं लग रहा कपटी बालक? असंभव, किसी भी साधारण मनुष्य के लिए असंभव है ये। सत्य बताओ, कौन हो तुम, कौन हो तुम? पिताश्री, मैं और कौन हो सकता हूँ, आपका पुत्र ही तो हूँ और इस जगत के पालनहार प्रभु श्री हरि की अनेकों जीवन कृतियों में से एक हूँ मैं। ओह, तो तुम्हारा अर्थ है तुम्हारे श्री हरि अभी भी मुझसे सर्वशक्तिमान हिरण्यकश्यपु से तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं? अवश्य पिताश्री, प्रारंभ से ही प्रभु श्री हरि ही मेरी रक्षा करते आ रहे हैं और अब भी अवश्य करेंगे। अच्छा, कहाँ है तुम्हारे प्रभु श्री हरि? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देते। यदि वो तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहाँ आए हैं तो अदृश्य क्यों हैं? दिखाओ मुझे, दिखाओ तुम्हारे प्रभु श्री हरि कहाँ है, दिखाओ, 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 दिखाओ। मेरे प्रभु श्री हरि वो तो सर्वत्र व्याप्त है पिताश्री, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ वो विद्यमान ना हो। अच्छा, तो फिर वो इस गदा में भी होंगे जिससे मैं अभी तुम्हारा वध करने वाला हूँ। हाँ हाँ, अवश्य है, मुझ में, आप में, इस पृथ्वी के समस्त जीवों के रोम रोम में है, खड़क में, खंभ में, ब्रह्मांड के प्रत्येक तत्वों के कण कण में है। जहाँ मेरी दृष्टि जाती है पिताश्री, वहाँ भी, और मेरी दृष्टि से परे भी
प्रभु श्री हरि ही हरि है पिताश्री। अच्छा, मुझ में है और तुम में है और इस खंब में भी, यही अर्थ है ना तुम्हारा उद्दंड बालक? है पिताश्री, इस खंब में भी है। अच्छा, तो दिखाओ इस खंब में उन्हें। सुनो मेरी चेतावनी, यदि इस खंब में मुझे तुम्हारे श्री हरि के दर्शन नहीं हुए तो सर्वप्रथम मैं इस गदा से तुम्हारे शीश के सहस्त्रों टुकड़े कर दूंगा। प्रार्थना करो अपने प्रभु से कि वो इस खंब में से प्रकट हो और तुम्हारे कथन को सत्य कर दे। मैं भी देखता हूं कि तुम्हारे प्रभु श्री हरि इस खंब में है या नहीं। इसी खंब में है ना तुम्हारे प्रभु? ये लो। ये कंपन कैसा? ये क्या हो रहा है? ये कंपन कैसा? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये कंपन कैसा प्रतीत होता है जैसे भूचाल आ गया हो? ओम नारायण नमः। ओम नारायण नमः। ओम नारायण नमः।
भीतर ना बाहर, ना आकाश ना पाताल, ना दिन है ना रात। आपका मृत्यु स्थल और मृत्यु का क्षण है ये। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे समक्ष खड़ी है, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे समक्ष खड़ी है। कोई नहीं है मुझसे अधिक शक्तिशाली, मैं हूं सर्वशक्तिमान। अस्त्र है ना शस्त्र है, परंतु आपकी मृत्यु का साधन है ये। महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतो मुखं नृसिंहं भीषानाम भद्रं मृत्युर् मृत्युं नमामि अहम्। प्रणाम प्रभु। प्रणाम। श्रीमत् पयोनिधिनिकेतन चक्रपाणे।
योगीश शाश्वत शरण्य भवाधिपोत लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम्। ब्रह्मोन्द्ररुद्रं रुदर्क किरीट कोटि संघटितांघ्रि कमलामल कांति कांत लक्ष्मील सत्कुच सरोरुह राज हंस लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम्। संसार घोर गहने चरतो मुरारे मारोग्र भीकर मृग प्रवरार्दितस्य आर्तस्य मत्सर निदाघन पीडितस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम्। लक्ष्मी पते कमलनाभ सुरेश विष्णो वैकुंठ कृष्ण मधुसूदन पुष्कराक्ष ब्रह्माण्य केशव जनार्दन वासुदेव देवेश देहि कृपणस्य करावलम्बम्। यन्माययोर्जित वपुः प्रचुर प्रवाह मग्नार्थ मत्र निवहोरु करावलम्बम्। लक्ष्मी नृसिंह चरणाब्ज रघुव्रतेन स्तोत्रं कृतं सुखकरं भुवि शंकरेण। केशव कृपाला नारायणा 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 हरि केशव कृपाला। प्रणाम श्री हरि। आपका कल्याण हो देवगण। प्रभु मेरे हरि आप आ गए। कल्याण हो वत्स। ओम नारायणाय नमः। 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 अहंकार सदैव अनुचित है। दुराचारी अत्याचारी और पापी का अंत भयानक होता है। रूप में द्वितीय फिर थल पर ही रहने वाले निम्न श्रेणी के पशु वराह रूप में तृतीय अवतार लिया। फिर नरसिंह अवतार अर्थात पशुओं के राजा सिंह और मनुष्य के सम्मिश्रण से उत्पन्न विलक्षण जीव अर्थात अर्ध सिंह और अर्ध मानव के रूप में प्रभु ने अवतार लिया। समझ गया माता। इसीलिए जीवन के विस्तार के क्रम के अनुसार प्रभु श्री हरि का आगामी अवतार मनुष्य के रूप में होना था। हाँ पुत्र, इस बार पृथ्वी पर प्रभु विष्णु जी का आगमन बाल ब्रह्मचारी रूप में हुआ। परंतु माता हनुमान को बताइए ना, प्रभु ने अपना पंचम अवतार कब और क्यों लिया? पुत्र, त्रेता युग में जब अमृत पाकर सभी देवता अमृतवी के अहंकार के मद में चूर होकर अपने अपने कर्तव्यों के प्रति असावधान हो गए थे, परंतु असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी द्वारा मृत संजीवनी मंत्र का ज्ञान प्राप्त कर असुरों ने भी मृत्यु परंत पुनः जीवित होने की सामर्थ्य प्राप्त कर ली थी। ॐ हौं जूं सः ॐ भूर्भुवस्वः ॐ यम्बकं यजामहे ॐ तत्सवितुर्वरेण्यम् ॐ सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ॐ भर्गो देवस्य धीमहि ॐ उर्वारुकमिव बन्धनाम् ॐ धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः ॐ भुवः
ॐ भुः ॐ सः ॐ जूं ॐ हौं ॐ अरे हम पुनः जीवित हो गए, पुनः जीवित हो गए। अरे हम पुनः जीवित हो गए, हम पुनः जीवित हो गए। फिर देवताओं से युद्ध में रक्त असुर सेना हताहत होकर भी पुनर्जीवित होने लगी। देवता परास्त हो गए थे और अपना बचाव सुनिश्चित करने के लिए उन्हें अपना स्वर्ग छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा। तब स्वर्ग और पृथ्वी पर विजय पाकर हिरण्यकश्यपु की चौथी पीढ़ी के वंशज चक्रवर्ती असुर सम्राट बलि त्रिलोकों के अधिराज बन गए। फिर क्या हुआ माता? फिर गुरु शुक्राचार्य के सुझाव पर राजा बलि ने अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिससे देवताओं पर असुरों की श्रेष्ठता अनंत काल के लिए स्थिर हो जाए। अर्थात माता, अच्छाई पर बुराई की प्रभुता सदा के लिए स्थापित करने का प्रयास था ये? हाँ पुत्र, देवताओं की ऐसी दीनहीन अवस्था उनकी माता अदिति से देखी नहीं गई। तब उन्होंने देवताओं के पुनरुद्धार के लिए प्रभु विष्णु जी की प्रार्थना प्रारंभ की और दीर्घ काल तक उनकी तपस्या का अद्भुत फल उन्हें प्राप्त हुआ। ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ॐ 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 नारायणाय नमः। प्रणाम श्री हरिनारायण। कल्याण हो देवी अदिति। प्रभु, इस माँ का हृदय अपने पुत्रों की लाचार अवस्था देखकर अत्यंत व्यथित है, आप ही उनकी सहायता कर सकते हैं प्रभु। आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी देवी, परंतु देवताओं को भी सजगता पूर्ण पद के अनुरूप व्यवहार कर अपने पद के योग्य बने रहना होगा, क्योंकि योग्यता खोते ही व्यक्ति के उस पद पर स्थित रहने का अधिकार स्वतः नष्ट हो जाता है। अपने पद के दायित्व भुलाकर देवताओं के भोग विलास में पूर्णतया लिप्त रहने के कारण ही असुरों को अपनी शक्ति में वृद्धि का अवसर प्राप्त हुआ। प्रभु, मैं वचन देती हूँ कि देवताओं के पद का दायित्व मैं स्वयं उन्हें समझाऊंगी। अपना दोष तो उन्हें स्वयं ज्ञात हो गया, जिसका उन्हें पछतावा भी है, परंतु अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा लौटाने में उन्हें आपके सहायता की आवश्यकता है प्रभु। आप चिंता ना करें देवी, मैं एक माता की व्यथा समझता हूँ, इसीलिए आपके मातृत्व का आदर करते हुए मैं आपके पुत्र के रूप में अवतार लूंगा और देवताओं और मनुष्य जाति का उद्धार करूंगा। इसकी इच्छा थी उससे कहीं अधिक प्राप्त हो गया प्रभु। आपको अपने पुत्र के रूप में पाकर ये मां धन्य हो गई। आपकी ये भक्ति, आपकी कृपा पाकर कृतार्थ हुई प्रभु। कल्याण, Thank you.
प्रभु श्री हरि का नन्हा सा रूप कितना मनोहर हुआ होगा ना माता। परंतु उनके इस अवतार को क्या नाम मिला और इसके उपरांत क्या हुआ? पुत्र, स्वयं स्वामी अर्थात ब्रह्मा जी द्वारा प्रभु विष्णु जी के इस रूप का नामकरण हुआ और जगत में प्रभु विष्णु जी का यह रूप वामन नाम के अवतार से प्रसिद्ध हुआ। माता, हनुमान ये समझ नहीं पा रहा है कि एक नन्हे से बालक के रूप में प्रभु विष्णु जी समस्त देवताओं को पुनः स्वर्ग लौटाने में कैसे सहायक बने। उस पराक्रमी योद्धा चक्रवर्ती असुर सम्राट बलि से युद्ध कैसे किया उन्होंने? यदि व्यक्ति का उद्देश्य शुद्ध एवं धर्मोचित हो तो व्यक्ति के दोष भी उसकी शक्ति बन जाते हैं। इसीलिए किसी की क्षमता का आंकलन कभी भी उसके कद या उसकी शारीरिक बनावट से कदापि नहीं करना चाहिए, अन्यथा इस त्रुटि का भारी मूल्य चुकाना पड़ सकता है। और ऐसी ही भूल चक्रवर्ती असुर सम्राट राजा बलि भी कर बैठा। कैसी भूल माता? जब राजा बलि गुरु शुक्राचार्य के निर्देशानुसार उनकी देख रेख में अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन कर रहे थे और यज्ञ की पूर्ति में ब्राह्मणों को दान देने की एकमात्र अंतिम रीति शेष थी, तब प्रभु विष्णु जी के वामन अवतार ने यज्ञ वाटिका में प्रवेश किया। अहम् राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदधु पुरुत्रा भूरि स्थानां भूर्यावेशयम् नती। कौन है जो इतने मधुर और सम्मोहक स्वर में वेदों का पाठ कर रहा है? प्रणाम ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप जैसे दिव्य ज्ञान संपन्न अद्भुत अलौकिक व्यक्तित्व के मेरे इस अश्वमेध यज्ञ के आयोजन में पधारने से मैं राजा बलि कृतार्थ हुआ। मुझे विश्वास है आपकी कृपा से मेरा ये यज्ञ अवश्य सफल होगा, परंतु सर्वप्रथम इतना बताने की कृपा अवश्य करें कि आप कौन हैं। ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपना परिचय देने की कृपा करें, अपना नाम बताएं विप्रवर। राजन, संसार के समस्त नाम मेरे ही तो है, कौन सा नाम बताऊं आपको? वैसे भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, नाम से नहीं। इतना बताने की कृपा करें ब्राह्मण श्रेष्ठ कि आप आए कहां से हैं, आपका निवास कहां है? बाल ब्रह्मचारी का कोई ठौर कहां, जहाँ उसके भक्त थम जाते हैं वही उसका गांव हो जाता है। राजन, तो मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरा निवास कहाँ का है? हाँ, आप यह अवश्य कह सकते हैं कि मैं समस्त ब्रह्मांड का हूँ और संपूर्ण ब्रह्मांड ही मेरा निवास स्थान है। आपका कथन सर्वथा उचित है ब्राह्मण श्रेष्ठ। हे विप्रवर, अपने यज्ञ को पूर्ण करने हेतु मैं दान कर पुण्य लाभ प्राप्त कर रहा हूं, आप आज्ञा दें मैं आपके लिए क्या प्रस्तुत करूं? राजन, आप क्या दे सकते हैं मुझे? राजन,
राजन अब क्या दे सकते हैं मुझे? बहुमूल्य रत्न, मूल्यवान आभूषण, रथ, वस्त्र, खेत, आपके रहने हेतु प्रासाद, संपूर्ण ग्राम, सुंदर सेविकाएं, जो आपकी इच्छा हो मांग लीजिए, मैं सहर्ष आपको प्रदान करूंगा। भोग विलास की इन वस्तुओं का मेरे लिए क्या उपयोग राजन? धन, संपत्ति, वाहन इत्यादि संसारिक क्रियाकलाप में लीन मनुष्यों की आवश्यकताएं पूर्ण करते हैं। मैं ठहरा एक बाल ब्रह्मचारी। आपका विनम्र प्रस्ताव पाकर मैं आपका कृतज्ञ हूँ राजन, परंतु जिनका भी आपने नाम लिया उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। परंतु मेरे द्वार से आप जैसा बाल ब्रह्मचारी तपस्वी रिक्त हाथ वापस कैसे जा सकता है? ऐसा कैसे संभव है? कुछ तो होगा जिसकी आपको आवश्यकता हो और मैं दान कर सकूं। आपकी जो भी इच्छा होगी मैं सहर्ष प्रदान करूंगा। तो राजन यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे वो सब दान में मांगता हूँ जो मेरे तीन पग में समा जाए। कहिए वो मुझे देंगे आप? अभी भी समय है, रुक जाइए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। सोचिए राजन, आप तीनों लोकों के सम्राट, महान दैत्य राज बलि, जो संसार में कोई भी वस्तु देने में समर्थ है, उनसे मात्र तीन पग में समाने योग्य वस्तुएं कैसे मांग सकता है? गुरुदेव, आप तो स्वयं जानते हैं ऋषि मुनियों के कुछ संकल्प होते हैं, वो उन संकल्प से अधिक कुछ नहीं मांगते। आप समझ नहीं रहे राजन, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये कोई अन्य नहीं श्री हरि विष्णु देव है। श्री हरि विष्णु देव? ये आप क्या कह रहे हैं? यही सत्य है राजन, ये इंद्र एवं अन्य देवताओं के हित साधन के लिए यहां है। यदि आपने इनकी बात मानकर उनकी इच्छा अनुसार दान देने का संकल्प ले लिया तो आप सब कुछ गंवा देंगे। गुरु पे विश्वास करता है उसका कभी अहित नहीं होता। विश्वास कीजिए मुझ पर, मत दीजिए दान। ये
यदि आपकी बात सत्य है तो ये स्वयं दाता हैं। इन्हें कोई क्या दान देगा? सोचिए गुरुदेव, संपूर्ण संसार जिनके समक्ष हाथ फैलाए खड़ा रहता है, वे आज मेरे समक्ष हाथ फैलाए खड़े हैं। स्वयं प्रभु का हाथ नीचे और मेरा हाथ ऊपर। संसार में ऐसा सौभाग्य तो कदाचित ही किसी को प्राप्त हुआ होगा। यह आपका सौभाग्य नहीं दैत्यराज, दुर्भाग्य होगा। नहीं गुरुदेव, इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में यह लिखा जाएगा कि एक दैत्यराज ऐसा भी था जिसने स्वयं प्रभु को दान दिया। और फिर दान देने का सुख उपभोग करने के सुख से सहस्त्र गुना अधिक होता है गुरुदेव, और पुण्यदायी भी। इस विलंब के लिए क्षमा करें विप्रवर, मैं दान देने का संकल्प लेने के लिए प्रस्तुत हूं। आप पुनः सोच लीजिए, क्या आप उतना ही चाहते हैं जो आपके तीन पग में समा जाए? इस संसार में मात्र तीन पग धरती मनुष्य की अपनी होती है। उससे अधिक की इच्छा करने वाले मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होते। राजन, मुझे मात्र उतना ही चाहिए जितना मेरे तीन पग में समा जाए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये विष्णु देव देवताओं के हितैषी हैं, तो मैं असुर गुरु शुक्राचार्य असुरों का हितैषी हूं। असुरों के हित साधन के लिए मुझे कुछ भी करके ये दान रोकना होगा। देव प्रतिष्ठा असुर हरे, तब हरि वामन रूप धरे। जो समेति ना पग माए, दान बलि वो कर पाए। दैत्य गुरु पहचान करे, विष्णु वामन रूप धरे। रोके हेतु शुक्रा चली, दृढ़ संकल्पा किंतु बलि। ईश्वर किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं, आवश्यकता है पहचानने की। ये तीन भी शूल है मेरे इस लघु रूप के लिए। लीजिए, अवरोध हट गया महाराज बलि। मैं दैत्यराज बलि ये संकल्प लेता हूँ कि आपके तीन पग में जो भी जितना भी समाएगा वो सब आपको प्रदान करूंगा, प्रदान करूंगा, प्रदान करूंगा। की अवहेलना करने वाले मूणमति, तुम्हारे इस दान को रोकने के प्रयास में मुझे अपना एक नेत्र गंवाना पड़ा। मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य तुम्हें श्राप देता हूं कि असुरों को सदैव देवताओं से पराजित होना पड़ेगा।
और तुम्हें भी गंवाना पड़ेगा तीनों लोगों का वैभव। संसार के स्वामित्व का ऐश्वर्य छीन जाएगा तुमसे। मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे कोई भी श्राप स्वीकार है गुरुदेव? इन्हें सब देकर भी जो मुझे मिलेगा वो अनमोल है। अब मुझे कुछ भी गवाना पड़े मुझे कोई दुख नहीं। प्रभु श्री वामन जी ने मात्र तीन पग धरती ही मांगी थी, ऐसा क्या हो गया कि गुरुदेव शुक्राचार्य ने महाराज बलि को इतना भीषण शाप दे दिया? हनुमान, कदाचित प्रभु वामन राजा बलि से त्रि लोगों का अधिपत्य नहीं मांगते, क्योंकि तीनों लोगों का शासन राजा बलि ने अपने बल पर प्राप्त किया था, किंतु ईश्वर की लीला हुई और दैत्य गुरु बाध्य हो गए राजा बलि को श्राप देने के लिए। विचित्र है प्रभु की लीला। प्रभु वामन जी ने मात्र तीन पग धरती मांगी थी, फिर कैसे उन्होंने उनसे तीनों लोगों का प्रभुत्व मांग लिया? ये लीला कैसी हुई ये सुनो। राजा बलि ने श्राप तो स्वीकार कर ही लिया था, निराश होकर शुक्राचार्य क्रोधावश वहां से चले गए। तब प्रभु श्री वामन के समक्ष राजा बलि ने बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर विनती की। दान प्रक्रिया में इस व्यवधान के कारण जो भी विलंब हुआ उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ विप्रवर। तीन पग के माप में आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं उसे मैं सहर्ष प्रदान करने के लिए प्रस्तुत हूँ। कृपया अपना दान प्राप्त कर मेरा संकल्प पूर्ण करें। माध्यम बनकर मैं धन्य हो गया। मेरा सब कुछ अर्पण है आपके इन पावन चरणों में। तल चंद्रा सूर्य प्रचंड अंतरिक्ष ब्रह्मांड अखंड धरती अंबर लोक सब वामन दो पग माय नपै
त्रिश हरि ये तर्षाये दैत्यराज बलि हर्षाये हरि की लीला हरि जाने तीजा पग हरि के पैथरे महाराज बलि आपने तीन पग में समाने योग्य वस्तुओं का दान देने का वचन दिया था प्रथम पग में तो धरती का माप हो गया द्वितीय पग में स्वर्ग एवं समस्त लोक सहित संपूर्ण ब्रह्मांड का माप हो चुका है अब आप ही मुझे बताइए कि मैं अपना तृतीय पग कहाँ रखूं बताइए राजन बताइए कहाँ रखूं मैं अपना तृतीय पग अब मुझे अन्य कोई रिक्त स्थान दिखाई नहीं दे रहा है प्रभु अब तो मेरे पास कुछ शेष रहा ही नहीं जो मैं आपके श्री चरणों में अर्पित कर सकूं किंतु वचन पूर्ण करना है मुझे अब मेरे पास जो भी शेष रहा है वो मैं स्वयं ही हूं अतः आप अपना तृतीय पग अपना पावन चरण मेरे शीश पर रखे प्रभु के कारण आपकी कीर्ति युग युगांतर तक स्थित रहेगी मेरा आशीर्वाद है आपको अब से कल्पांत तक आप पाताल स्थित सुतल लोक के राजा रहेंगे
समस्त ऐश्वर्य एवं वैभव सदैव आपके राज्य में अक्षुण बने रहे। मैं स्वयं आपके राज्य की सदा रक्षा करूंगा और भविष्य में अगले स्वर्ग अधिपति इंद्र का पद आपको प्राप्त होगा। आपकी कृपा अपरंपार है प्रभु, मैं धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। आपका सदैव कल्याण दैत्य राजबलि। इस प्रकार प्रभु श्री नारायण ने वामन अवतार धारण किया। अब तुम बताओ हनुमान, प्रभु के इस पंचम अवतार की कथा से तुमने क्या सीखा? हाँ, प्रथम तो ये कि ईश्वर कभी भी किसी के भी प्रति अन्याय नहीं करते, उनसे जो लिया उससे भी अधिक उत्तम वरदान दिया, यहाँ तक कि इंद्रपद का भी अधिकारी बना दिया। हाँ, सत्य कहा तुमने हनुमान। और द्वितीय? द्वितीय ये माता कि कभी भी गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, और ये भी गुरुदेव कोई अनुचित कार्य करे तो उन्हें भी गुरु शुक्राचार्य की भांति दंडित होना पड़ता है। हाँ, जैसे उनके एक नेत्र की ज्योति चली गई थी। और अंतिम ये कि दान धर्म निभाने वाले को भी सब गंवा कर बहुत कुछ प्राप्त होता है, जैसे राजा बलि ने तीनों लोकों का राज गंवा दिया, परंतु उन्हें तीनों लोकों के स्वामी श्री हरि का संरक्षण प्राप्त हो गया। हाँ पुत्र, एक प्रकार से उन्हें स्वयं प्रभु की प्राप्ति हो गई, और इससे बड़ी संपदा अन्य कोई हो ही नहीं सकती। माता, आप जो मुझे ये ज्ञान योग की शिक्षा दे रही हैं, उससे भगवान की विशालता एवं महानता से मेरा परिचय हो रहा है। इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा माता। अब मुझे शीघ्र बताइए कि प्रभु श्री हरि ने अपना षष्ठम अवतार कौन सा धारण किया? अवश्य हनुमान, वामन अवतार में प्रभु श्री हरि नारायण शांत एवं सौभ्य ब्रह्मचारी के रूप में अवतरित हुए थे। षष्ठम अवतार में वे उग्र एवं महान योद्धा के रूप में पृथ्वी पर आए। उग्र एवं महान योद्धा? अरे वाह माता, कौन थे वो महान भक्त योद्धा, शीघ्र बताइए ना। उनका जन्म भी त्रेता युग के मध्य में हुआ था, जब हैं वंशी सहस्त्र भुजाधारी महाराज कार्तिवीर्य का शासन था, जिन्हें अतुलित शक्तियां प्राप्त हुई थी। अपार शक्तियों के स्वामी होने के कारण उन्हें अपने बल पर अभिमान हो गया था, और वो अपनी ही प्रजा पर अत्याचार करने लगे थे। देखा मेरी रानियों, तुम्हारे स्वामी छत्रपति सम्राट शस्त्र अर्जुन कार्तिवीर्य की शस्त्र भुजाएं, इस संसार का कोई भी योद्धा इनके आगे पल भर भी नहीं टिक सकता। प्रणाम महाराज, प्रणाम महारानियों। आपकी सेवा में भोजन सामग्री प्रस्तुत है महाराज। सेवकों, यह उचित समय नहीं है यहाँ आने का। मेरे निजी क्षणों में हस्तक्षेप करने का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा, और तुम सबको मिलेगा। माता, राजा कार्तवीर्य का अपने सेवकों के प्रति ऐसा क्रूर व्यवहार तो अनुचित है ना? पुत्र हनुमान, उन दिनों जितने भी राजा थे वे सब शक्ति और सत्ता के अभिमान में चूर होकर अपनी ही प्रजा एवं सेवकों पर अत्याचार कर रहे थे, और उन्हीं के अत्याचारों को रोकने के लिए प्रभु श्री हरि ने ऋषि जंदाग्नि एवं उनकी पत्नी रेणुका के पांचवें पुत्र के रूप में जन्म लिया।
एक ऋषि पुत्र होकर भी एक महान योद्धा कैसे बने माता? और उनको युद्ध कला में किसने निपुण किया? स्वयं प्रभु महादेव ने। उन्हें युद्ध कौशल ही नहीं सिखाया महादेव ने, अपितु अनेक अस्त्र शस्त्र भी प्रदान किए, जिनसे सज्जित होकर वो ऋषि पुत्र महाशक्तिशाली एवं अजय योद्धा बने। कौशल में अपनी दक्षता का प्रमाण दे दिया है। तुम्हारे कुशल हाथों में आते ही समस्त अस्त्र शस्त्र अपनी पूर्ण क्षमता के साथ अपने लक्ष्य पर वार करते हुए तुम्हारी इच्छा अनुसार संचालित होते हैं। गुरुदेव, ये मेरी दक्षता नहीं, आपके प्रशिक्षण और आशीर्वाद का फल। तुम्हारी नम्रता प्रशंसनीय है पुत्र। अब तक मैंने तुम्हें अनेक अस्त्र शस्त्र प्रदान किए हैं, किंतु अब तुम्हारा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न होने के उपलक्ष्य में मैं तुम्हें वो शस्त्र प्रदान करूंगा जिसे आज तक किसी ने भी शस्त्र के रूप में प्रयोग नहीं किया है। तुम्हारी पहचान बनेगा ऋषि जमदग्नि पुत्र राम। आज से तुम परशुराम के नाम से जाने जाओगे। ईश्वर की प्रत्येक लीला में सृष्टि का कल्याण छिपा होता है।